हेलो, आवाज आ रही है क्या? ऑडिबल? देखो, आज एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का क्या मतलब है? कुछ ऐसी टेक्निक बायोटेक्नोलॉजी में जिसकी मदद से हम अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं डिजीज का, ताकि क्या हो सके, इफेक्टिव ट्रीटमेंट हो सके, राइट? और जिसमें दो चीजें हम पढ़ते हैं, दो टेक्निक्स हैं। पीसीआर पढ़ाई है आप लोगों ने पीसीआर के बारे में, तो पीसीआर में हम ये बात नहीं करेंगे, आप सभी को पता है पीसीआर करते कैसे है ना, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पता है पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करते कैसे है, टेक्निक है ना, और एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे, इसके बारे में भी सुनाइए। ये मैंने बताया था किसके डायग्नोसिस के लिए हेल्प करता है। हाँ ठीक। और पीसीआर भी प्रोसेस हम पढ़ चुके थे, जिसमें हम जीन्स को मल्टीप्लाई करते हैं, राइट? तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट जो है, ये क्या करता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्ट, अगर मान लो मैंने देखा कि पीसीआर में क्या होता है, पीसीआर में हम देखते हैं कि अगर छोटे से छोटे छोटा भी जीन है, तो उसको हम मल्टीप्लाई करवा के, उसको रेप्लीकेट करवा के बहुत ज्यादा नंबर बना देते हैं उसका, है ना, मल्टीप्लाई कर सकते हैं उसको, लो कॉन्सेंट्रेशन भी है। तो इसी इसी टेक्निक का मैं यूज करता हूँ यहाँ पर, ठीक है? क्यों? क्योंकि अगर मान लो मेरी बॉडी में अगर किसी भी तरह का कोई पैथोजन है और वो बहुत लो कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है, तो पीसीआर करेंगे तो वो एम्पलीफाई होके अपने न्यूक्लिक एसिड दिखाना शुरू कर देगा कि नहीं दिखाएगा? कर देगा ना, बहुत ही लो, और बहुत ही लो लेवल पर अगर डिटेक्शन हो जाता है तो ट्रीटमेंट इजी है कि नहीं है एज कम्पेयर टू सिवियर, इसीलिए पीसीआर करते हैं। तो पीसीआर में क्या बोला, वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन, वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पैथोजेंस कैन बी डिटेक्टेड ठीक बाय एम्प्लीफिकेशन, बाय एम्प्लीफिकेशन ऑफ देयर न्यूक्लिक एसिड्स, वही उनके डीएनए को। डीएनए क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड्स ही होते हैं। तो उनके न्यूक्लिक एसिड्स को जब एम्प्लीफाई करूंगा यूजिंग पीसीआर, तो वो क्या हो जाएगा, एम्प्लीफाई होगा और कम कॉन्सेंट्रेशन पर ही मुझे क्या दिखेगा, कम कॉन्सेंट्रेशन पर ही मुझे ये इफेक्टिव नजर आएगा, या कम कॉन्सेंट्रेशन पर ही मैं पता लगा सकता हूँ कि किस कौन सा पैथोजन एक्सिस्ट करता है बॉडी। तो ये था पीसीआर के बारे में, छोटा सा टॉपिक है, डेफिनेशन आ जाए पूछ सकते हैं, ठीक है? ध्यान रखना, बाकी पीसीआर करते कैसे हैं वो आपको पता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एलिजा। तो एलिजा किस पर बेस्ड है? एलिजा इज बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन पर बेस्ड। अब ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन क्या है? आपने पढ़ा है कि एंटीजन और एंटीबॉडी, एंटीजन क्या होता है पहले ये समझ लो, एंटीजन का मतलब होता है वो फॉरेन पैथोजन, ठीक है, जैसे कोई बैक्टीरिया वायरस या कुछ भी जो आपकी बॉडी में एंटर कर रहा है, और उसके अगेंस्ट जो आपकी बॉडी बना रही है टू फाइट अगेंस्ट दैट एंटीजन, उसको आप बोलते हो एंटीबॉडी। और ये एंटीजन और एंटीबॉडी कुछ इस तरह से रिएक्ट कर पाते हैं, जैसे लॉक और की, जैसे एंजाइम और सबस्ट्रेट, ठीक है? तो यानी कि ये इजीली इससे बाइंड कर पाता है। अब मान लो कि मुझे क्या करना है, मुझे किसी पर्सन को डिटेक्ट करना है कि वो, मेरे पास कोई पर्सन आता है, ठीक है, ठीक है, उसको डिटेक्ट करना है कि वो एचआईवी पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो क्या किया जाएगा? सबसे पहले ब्लड सैंपल लूंगा मैं उसका, ठीक है? हालांकि ये बातें आपसे कोई पूछेगा नहीं कि कैसे टेस्ट किया जाता है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि थोड़ा सा रिलेट कर पाओगे इसको, ठीक है? इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इस बात को एनसीईआरटी में भी कोई नहीं बताता है, एनसीईआरटी में भी इस चीज को एक्सप्लेन नहीं किया है कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कैसे करवाया और कैसे एलिजा होता है या एलिजा करने का प्रोसेस क्या है। तो लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप इस चीज को रिलेट कर सको, ठीक है? तो देखो इजी हो जाएगा। बोल रहे हैं कि अब मान लो कि कोई पेशेंट है, आपको ये डिटेक्ट करना है, तो आप एलिजा कैसे करोगे? एलिजा करने के लिए आपने ब्लड सैंपल लिया, ठीक है? ब्लड सैंपल लेने के बाद
आपने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब लिया, उस टेस्ट ट्यूब में क्या डाल दिए? एचआईवी वायरस। एचआईवी वायरस के कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स या वायरस ही डाल दिया इसमें। चलो, वायरस के एंटीजन्स मतलब इसकी बॉडी में, अब यहां इस टेस्ट ट्यूब में एंटीजन्स है या नहीं है बताओ। अब इसमें एंटीजन है, एंटीजन डाल दिए। अब क्या हुआ, मैंने यहां पर एंटीजन डाल दिया और एक तरह का स्टेन डाल देता हूँ कलर दिखाने के लिए, ठीक है, वो भी ऐड कर दिया। मान लो वो एक कलर शो करने के लिए एक स्टेन भी इस तरह का ऐड कर दिया, ठीक। उसके बाद क्या किया जा रहा है, उसके बाद मैं यहां पर ब्लड सैंपल डाल रहा हूं, ठीक। ब्लड सैंपल डाल दिया, जो पेशेंट का ब्लड लिया था वो सैंपल। अब एक बात सोचो, अगर बॉडी में एचआईवी वायरस होगा, क्या बोला मैंने, अगर बॉडी में एचआईवी वायरस होगा तो कोई भी ह्यूमन बॉडी उस एंटीजन के अगेंस्ट, एचआईवी वायरस तो क्या है, एंटीजन है, तो उस एंटीजन के अगेंस्ट क्या बनाएगी, एंटीबॉडीज बनाएगी। अब अगर एंटीबॉडीज बनाएगी तो वो स्टेन की वजह से किसी कोई पर्टिकुलर एक क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट बनाएगा और कोई कलर शो करेगा, पर्टिकुलर कलर होता है, ठीक है, एक कलर शो करेगा। जैसे आपने याद करो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन पढ़ा था, उसमें भी क्या होता है, कलर, ब्लू कलर शो कर रहा है मतलब, ब्लू कलर शो कर रहा है मतलब नॉन रिकॉम्बिनेंट, और ब्लू कलर नहीं शो कर रहा है मतलब कोई कलर नहीं शो हो रहा है तो रिकॉम्बिनेंट, है ना। ऐसे यहाँ, हाँ, तो ऐसे यहाँ पर एक क्रोमोजेनिक सब्सट्रेट यानी कि एक कलर दिखाई दिया, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, तभी तो बाइंड किया, ठीक है। अब मान लो अगर कोई कलर नहीं दिखाई दी तो आप क्या बोल दोगे, भाई कलर दिख रहा है इसका मतलब एंटीबॉडीज है, और एंटीबॉडीज है इसका क्या मतलब है, तो इसे बोलोगे एचआईवी पॉजिटिव या नेगेटिव। लेकिन अगर कोई कलर प्रोड्यूस नहीं हुआ, लेकिन अगर कोई कलर ही प्रोड्यूस नहीं हुआ तो आप क्या बोल दोगे, नेगेटिव। देखो दोबारा क्या बोला मैंने, ब्लड सैंपल लिया। अब मैंने इससे पहले आपको ये बोला था, आपको मोस्ट मोस्ट जो है वो ज्यादातर प्रोबेबली जो चांसेस हैं क्वेश्चन आने के वो ये है, ठीक है, इसका प्रिंसिपल पूछा जाता है आपको, ठीक है। तो आपका इसका प्रिंसिपल याद रखना, प्रिंसिपल क्या है इसका, एलिजा, बस एक लाइन में खत्म हो जाता है ये, कि एलिजा इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, खत्म, ठीक है। लेकिन मैंने आपको एलिजा करके बताया कि इसको करते कैसे हैं, वेदर द पेशेंट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, कैसे पता लगाना है। आपने क्या लिया, ब्लड सैंपल लिया, और ब्लड सैंपल लिया, एक टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब में आपने एचआईवी वायरस डाल दिया। अब वायरस है वो तो एक तरह का एंटीजन है। अब मान लो अगर यही एंटीजन बॉडी में भी प्रेजेंट है तो वो किसी तरह का एंटीबॉडीज बना चुका होगा, क्योंकि आपने अभी अभी समझा एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनते हैं। अब आपने क्या किया, अब ये एंटीजन और एंटीबॉडी अगर मिलेंगे तो एक एक तरह का कलर प्रोड्यूस करेंगे, और अगर कलर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो पॉजिटिव, नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं मतलब नहीं है एंटीबॉडी, एंटीबॉडी ही नहीं है तो क्या उस बॉडी में कोई एंटीजन होगा, नहीं होगा, मतलब एचआईवी नेगेटिव। समझ आया राहुल? स्टेन भी तो डाला है, स्टेन भी तो डाला है, स्टेन भी तो डाला है। अब ऐसा भी तो हो सकता है, हाँ सही बात है, ब्लड में भी तो हो सकता है, राइट राइट राइट, ब्लड भी तो हो सकता है। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज बताता हूँ आपको, ब्लड का पूरा पोर्शन नहीं डाला जाता है, ब्लड को पहले यहाँ पर सेपरेट किया जाता है, ठीक है। आपको याद करो ब्लड वो एक प्रोसेस सेंट्रीफ्यूगेशन होती है, और सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है यहाँ पर, जब ब्लड को सेंट्रीफ्यूगेट करते हैं ना, तो ब्लड को सेंट्रीफ्यूगेट करने के बाद जो भी एंटीजेंस होते हैं ना वो नीचे बाइंड कर जाते हैं,
एंटीजन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, जो भी हैवी हैवी चीजें होती है वो नीचे बाइंड कर जाती है। और प्लाज्मा, प्रोटीन, वाटर, ठीक है, कुछ भी चीजें होती है वो कहाँ बाइंड कर जाती है, वो ऊपर रहता है। तो ये वाला हिस्सा जिसे आप प्लाज्मा बोलते हो, प्लाज्मा सुना है, प्लाज्मा या सीरम, तो ये वाला पोर्शन आपने इधर ऐड किया, ठीक है। इसीलिए ये जो टेस्ट होते हैं इनको बोलते हो सीरोलॉजी, सीरोलॉजी, ठीक है, समझ आया। प्लाज्मा में तो ऑलरेडी एंटीबॉडीज होंगी ना यार, तुम कैसी बातें कर रहे हो, प्लाज्मा में एंटीबॉडीज खुद होंगी अगर मान लो पॉजिटिव है तो, नहीं समझ आया। हेलो, नहीं समझ आया। ब्लड में, ब्लड किसका है, ह्यूमन का है, तो ह्यूमन ने बनाया होगा ना, ब्लड ने थोड़ी बनाया होगा। एंटीबॉडीज ह्यूमन की बॉडी में बनी होंगी ना यार, क्यों बनी होंगी उसके बॉडी में एंटीबॉडीज, क्योंकि उसकी बॉडी में वो एंटीजन प्रेजेंट था, एचआईवी वायरस प्रेजेंट था। हाँ, तो क्या नहीं समझ आया इसमें। हेलो सौम्या, आवाज आ रही है सौम्या, सौम्या जोशी। अरे कहाँ गायब हो गई तुम, क्लास क्लास भी नहीं, ऑल ओके। आज नैन्सी गायब है ना, अच्छा चलो ठीक है। टेस्ट वेस्ट देने आ सकते हो, ठीक है, तो ठीक है मैं आज बताऊंगा आपको। हाँ, वेडनेसडे को बताया, याद है सभी को। हेलो, चैप्टर 2 का टेस्ट है, सभी को वेडनेसडे को देना है, ठीक है। हाँ, आदर्श नगर में 3:30 बजे, ठीक है, ध्यान रखना, भूलना मत। अनस, भूमि, ठीक है भूमि, और प्रिया, यार तुम टेस्ट नहीं दे रहे हो, प्रिया मौर्य, कब दोगे यार टेस्ट। कैसे आओ का क्या मतलब, मतलब आवाज क्लियर नहीं है आपकी। अच्छा, टाइम क्लैश कर रहा है ऐसा, तो टेस्ट तो देना पड़ेगा ना यार। तुम ऐसा करो कि अगर टाइम क्लैश कर रहा है तो तुम ऐसा करना, जैसे इनकी क्लास होती है, कब होती है इनकी क्लास, टीटीएस में इनकी क्लास होती है, एमडब्ल्यूएफ में आके दे दो टेस्ट, ठीक है। एमडब्ल्यूएफ में तो मैथ की क्लास नहीं होती ना, निकालो बेटा टाइम, बिना टेस्ट दिए तो तुम्हारा कुछ नहीं होना, ठीक है, तुम बेकार है फिर तो। कॉन्सेप्ट्स तुम पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, कैसे पता चलेगा कि कितना समझ आया है, ना तो मुझे समझ आएगा ना तुम्हें समझ। क्या, अरे तुम्हारा टेस्ट हो रहा है, तुम टेंशन मत लो। हाँ प्रिया, ठीक है, टेस्ट दो, वेडनेसडे को दो टेस्ट, ठीक है, बायोटेक चैप्टर का टेस्ट देना वेडनेसडे को, या ट्यूसडे, कभी भी आ जाओ तुम, ठीक है, 5 बजे आ जाना, वेडनेसडे को 5 बजे आ जाना, ठीक। हाँ, जेएस वाले सेंटर पे। और ये वाला जो टेस्ट है,
ये चैप्टर टू वेडनेसडे, ये मैं आदर्श नगर वाले बच्चों के लिए बता रहा हूँ। आदर्श नगर वालों का टेस्ट है चैप्टर टू का, और ये होगा 3:30 बजे वेडनेसडे को। ठीक है, कोई शंका? आदर्श नगर वाले बच्चे, वर्टेक्स, हेलो, क्लियर है? सौम्या, इशिका, भूमि, अनस। चलो देखो, तो यहां पर मैंने आपको दोनों ही टेक्निक मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस की पढ़ा दी, ठीक है, पीसीआर और एलिसा। अब इसमें एक ये क्वेश्चन जो पूछते हैं आपसे, मैं बता रहा था आपको कि क्या क्वेश्चन पूछते हैं एलिसा में। एलिसा में आपसे क्वेश्चन पूछेगा प्रिंसिपल, कि ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, ये एलिसा किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको लिखना है कि एलिसा इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन। ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन पर प्रेजेंट है। ठीक है, आप डिटेक्ट करते हो उन एंटीबॉडीज को जो बनती है अगेंस्ट द पैथोजन। ठीक, चलो आगे पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसजेनिक एनिमल्स। देखो, तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स में क्या देख रहे हैं हम, होते क्या है ये ट्रांसजेनिक एनिमल्स। देखो थोड़ा सा, ट्रांसजेनिक एनिमल्स वो एनिमल्स हैं जिन एनिमल्स का हम यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं, ह्यूमन बेनिफिट के लिए। एनिमल्स दैट हैव देयर डीएनए मैनिपुलेटेड, ऐसे एनिमल्स जिनका डीएनए क्या कर दिया गया है, कुछ मैनिपुलेशन किया है उनके डीएनए में, किस लिए, टू पजेस एंड एक्सप्रेस एन एक्स्ट्रा जीन। ठीक है, टू पजेस एंड एक्सप्रेस एन एक्स्ट्रा फॉरेन जीन आर नोन एज ट्रांसजेनिक एनिमल्स। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसजेनिक एनिमल्स। किसी को ये डेफिनेशन नहीं समझ आई तो बताओ, मैंने बायोटेक का जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करके इन एनिमल्स में, यहाँ पर होस्ट की तरह कौन काम कर रहा है, एनिमल्स काम कर रहा है, तो कुछ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन इनमें डाला है, इन ट्रांसजेनिक एनिमल्स में डाला है। ठीक है, और ये ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या क्या हो सकते हैं, रैट हो सकता है, रैबिट हो सकता है, पिग होता है, शिप हो सकता है, काउ होते हैं, फिश भी होते हैं। ठीक है, ऑल दो 95% केसेस में हम क्या लेते हैं, चूहे लेते हैं, माइस लेते हैं। ठीक, अब आपको कई सारे रीजन, ये जो रीजंस पढ़ा रहा हूं मैं, ये सभी को याद होने चाहिए शब्द ब शब्द। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पे। ठीक है, क्या रीजन है ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाने की, तो ये 5 पॉइंट्स बताऊंगा मैं। नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, स्टडी ऑफ डिजीज, बायोलॉजिकल प्रोसीजर, वैक्सीन सेफ्टी और केमिकल सेफ्टी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले देखते हैं नॉर्मल फिजियोलॉजी और क्या डेवलपमेंट। अब ये जो नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट है, मुझे फॉर एग्जाम्पल पता लगाना है, अब शुरुआत में ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि कोई, मतलब कुछ भी ऐसा, अगर हमें पता करना है कि हमारी बॉडी में कोई पर्टिकुलर जीन है, वो जीन किस लिए वर्क करता है। अब जैसे मैंने क्या किया, मैंने जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बनाया, तो जब मैंने जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बनाया तो मुझे पता था, क्या पता था, कि ऑलरेडी मुझे पहले से ये पता था कि पेनक्रियाज में क्या होते हैं, पेनक्रियाज में कुछ सेल्स होते हैं, और उन सेल्स का क्या नाम है, उन सेल्स का नाम है बीटा सेल्स। वो सेल्स कौन बनाता है, वहां पे एक पार्ट बताया था, आइलेट ऑफ लेंगरहंस, ये बनाता है। ठीक है, यहां पर इंसुलिन में तीन पेप्टाइड चेन होते हैं, ए चेन, बी चेन और सी चेन। ये सब बातें मुझे वो जेनेटिक इंजीनियरिंग करने से पहले, या जो ह्यूमलिन बनाया था मैंने, ह्यूमलिन बनाने से पहले प्रेजेंट थी या उसी समय मैंने फाइंड आउट की थी।
ये सब बातें बताओ, पहले से ही मुझे पता थी। अब लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि कोई चमत्कार था, मुझे पहले से ही पता चल गया। नहीं, इसको भी पता लगाने के लिए ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये पता लगाना है कि जे कोई पर्टिकुलर जीन है, मान लो पेप्टाइड चेन ए है, वो किस क्या कैसे बनी वो, या कौन सा हमारा पर्टिकुलर जीन है, वो क्या फंक्शन करता है, किस तरह से नॉर्मल। तो वो सब आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए तो कोई मैमल लेना पड़ेगा, कोई एनिमल लेना पड़ेगा। वो जीन आप क्या करते हो, इंसर्ट करके देखते हो, फिर उस ट्रांसजेनिक एनिमल को चेक करते हो कि उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो फिजियोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ फंक्शन और किस किस तरह से डेवलपमेंट होता है ह्यूमन बॉडी का, उसको स्टडी करने के लिए भी आपको ट्रांसजेनिक एनिमल्स की जरूरत पड़ती है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स कैन बी स्पेसिफिकली डिजाइन टू अलाउ द स्टडी ऑफ हाउ जीन्स आर रेगुलेटेड एंड हाउ दे अफेक्ट द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी एंड इट्स डेवलपमेंट। ठीक है, तो मुझे ये पता लगाने के लिए कि कैसे जीन्स रेगुलेट होते हैं और किस तरह से वो नॉर्मल फंक्शन कैरी करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए आप ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज करते हो। देखो, इसीलिए टॉपिक का नाम लिखा है नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स इन्वॉल्व इन ग्रोथ, सच एज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, बाय इंट्रोड्यूसिंग जीन्स फ्रॉम अदर स्पीशीज दैट अल्टर द फॉर्मेशन ऑफ दिस फैक्टर एंड स्टडिंग द बायोलॉजिकल इफेक्ट दैट रिजल्ट, इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड अबाउट द बायोलॉजिकल ऑफ द फैक्टर इन द बॉडी। तो ये बोल रहे हैं कि मैं ये चाहता हूं कि उसमें ह्यूमन बॉडी में भी सेम तरह के चेंजेस आए, तो उसके लिए जरूरी ये है कि मुझे उसमें वो आरडीएनए डालना पड़ेगा। ये समझ आया? मुझे अगर ये पता लगाना है कि इंसुलिन इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल मेरी बॉडी का कम कर देता है, तो ये पता लगाने के लिए मैं किसी ह्यूमन का यूज नहीं कर सकता, किसी एनिमल का यूज करना पड़ेगा पर्टिकुलर फैक्टर के लिए। समझ आया या नहीं आया? आ गया, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट ये बोलता है स्टडी ऑफ डिजीज, है ना। अब क्या हुआ कि आप देखते हो आज आए दिन नए नए तरह के फॉरेन पैथोजेंस मिलते जा रहे हैं, तो हमें जरूरत है कि जितनी तेजी से ये वायरस और जितनी तेजी से ये पैथोजेंस ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, हम ट्रीटमेंट की तरफ भी उतना ही फास्ट मूव करें, क्योंकि ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। मैनी ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर डिजाइन टू इंक्रीज आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ जीन्स कंट्रीब्यूट ऑफ द, अगर हम, मैंने ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बताते हुए भी बताया था आपको कि अगर हम जीन्स की स्टडी कर लेंगे, ठीक है, तो ये जीन्स जो होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं, हमने पढ़ा था, ठीक है, और अगर हम उसकी स्टडी कर लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा, डिजीज की स्टडी करने के बाद ये पता चल जाएगा कि उसका डायग्नोसिस कैसे करना है और ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो मेनी ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर डिजाइन टू इंक्रीज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ जीन्स कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स में किस किस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, अब मुझे ये पता लगाना है कि पर्टिकुलर ये वाला वायरस है, ठीक है, कोई नया वायरस आया है, मुझे पता नहीं है कि इससे क्या क्या होता है, लेकिन मैं सस्पेक्टेड है ये कि ये वायरस हो सकता है जो आजकल इन्फेक्ट कर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, वो किसी ट्रांसजेनिक एनिमल में ही तो डाल के देखूंगा कि इसमें क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं इसकी वजह से, है कि नहीं है। अब ट्रांसजेनिक एनिमल्स में अगर मुझे वो सिम्टम्स दिखते हैं जो ह्यूमन में दिखते हैं, तो फिर मैं कंफर्म कर दूंगा कि भाई ये पैथोजन है जो आजकल ह्यूमन ह्यूमन में काफी फैल रहा है और इसी की वजह से वो डिजीज हो रहे हैं। तो दीज आर स्पेशली मेड टू सर्व एज मॉडल, तो हम इसको एक मॉडल की तरह यूज करते हैं। समझ आया क्यों मॉडल का यूज किया यहाँ पे, मॉडल वर्ड का क्यों यूज किया है, बताओ। जिस तरह से, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोई कपड़े खरीदते हो, तो कपड़े का कोई भी बॉक्स वगैरह हो, तो उस पे आप क्या देखते हो, किसी मॉडल की तस्वीर बनी होती है कि ये ड्रेस कोई मॉडल ने पहना हुआ, ये ऐसा दिखेगा, तभी तो आप खरीदते हो। तो दीज आर वैसे ही,
दीज आर स्पेशली मेड टू सर्व एज मॉडल फॉर ह्यूमन डिजीज सो दैट इन्वेस्टिगेशन ऑफ न्यू ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज इज मेड पॉसिबल, ताकि नए ट्रीटमेंट खोजे जा सके। टूडेज ट्रांसजेनिक मॉडल एग्जिस्ट फॉर मेनी ह्यूमन डिजीज, कई ह्यूमन डिजीज के लिए आज हम ट्रांसजेनिक मॉडल बना चुके हैं, जैसे कैंसर, सिस्टिक फिब्रोसिस, रिमेटॉइड अर्थराइटिस, अल्जाइमर। अल्जाइमर पता है क्या होता है? अल्जाइमर एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जैसे क्या बोलते हैं, भूलने की बीमारी, ठीक है, जिसमें आप देखते हो कि इंसान जो है वो बहुत ज्यादा भूलने लगता है, बहुत फ्रीक्वेंटली वो चीजें भूलने लगता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वो ताला, जैसे आपने क्या किया, चार ताला लगा दिया, ठीक है, और ताला लगाने के बाद वो क्या करेगा, चेक किया, बंद किया है चाबी पूरा, ठीक है, फिर वो आधे रास्ते जाएगा और वापस आएगा ये चेक करने के लिए ताला लगाया था। ये इनिशियल स्टेज है। फिर क्या होता है, फिर वो धीरे धीरे कई सारी चीजें, जगह भूलने लगता है, रास्ते भूलने लगता है, ठीक है, फिर वो घर वालों को भूलने लगता है, और फाइनली धीरे धीरे पूरा मेमोरी लॉस होने लगता है। तो इसको बोलते हो अल्जाइमर, समझ आया? रिमेटॉइड अर्थराइटिस, आप ये ब्रेन में कई तरह के न्यूरल इन्फेक्शन की वजह से होता है, और विद एजिंग भी देखते हो आप ऐसी चीजें होती है। रिमेटॉइड अर्थराइटिस, हाँ, रिमेटॉइड अर्थराइटिस एक तरह का क्या है, ये पढ़ाया हुआ यार, रेमेटॉइड अर्थराइटिस एक तरह का ऑटो इम्यून डिजीज है। हाँ, ऑटो इम्यून डिजीज में पढ़ाया था। सिस्टिक फिब्रोसिस एक तरह का क्या है, जेनेटिक प्रॉब्लम है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। कैंसर आपको पता पढ़ाए, तो इन सब के लिए मॉडल आज की डेट में हमारे पास प्रेजेंट है। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, अब देखो हम कई बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसा आप इशिका ने कहा कि भैया अगर हम कोई भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको टेस्ट करने के लिए ऐसे थोड़ी कि किसी मतलब किसका यूज करेंगे, किसी ह्यूमन का नहीं। मेडिसिन रिक्वायर्ड टू ट्रीट सर्टेन ह्यूमन डिजीज कैन कंटेन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, बट सच प्रोडक्ट आर ऑफन एक्सपेंसिव टू मेक। ऐसे प्रोडक्ट बनाना काफी क्या था, महंगा होता है, महंगा होता है ना, ठीक है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स दैट प्रोड्यूस यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट कैन ट्रीटेड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ द पोर्शन ऑफ डीएनए विच कोड्स फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट सच एज ह्यूमन प्रोटीन। अब क्या किया है मैंने, अब जैसे कई ऐसे ह्यूमन डिजीज होते हैं जिसमें कोई बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स कैन कंटेन, बट सच प्रोडक्ट्स आर ऑफन एक्सपेंसिव टू मेक। ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो है वो कुछ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाते हैं जब हम उनमें खास तरह का एक प्रोटीन इंजेक्ट, मतलब खास तरह का एक डीएनए इंजेक्ट करते हैं जिसकी वजह से वो एक प्रोटीन बनाते हैं, क्योंकि आपको पता है डीएनए या जीन्स बाद में जाके प्रोटीन बना ही देता है, तो वो प्रोटीन बनाएगा। और उस प्रोटीन का क्या नाम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ह्यूमन प्रोटीन है जिसका नाम क्या है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, और जिसका यूज क्या है, एम्फाइसिमा को ट्रीट करने, याद रहेगा, ह्यूमन प्रोटीन है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन यूज टू ट्रीट वॉट, एम्फाइसिमा। सिमिलर अटेम्प्ट आर मेड, इसी तरह से फिनाइल किटोनूरिया को भी ट्रीट करने के लिए हमने बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स का, और सिस्टिक फिब्रोसिस को भी। 90 आगे जो भी लाइंस बता रहा हूँ ये सब लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1997 में पहली ट्रांसजेनिक काव बनाई गई, याद रखना, ठीक है, और उसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, उस काव का नाम था रोजी। क्या नाम था? रोजी। नीट में आया हुआ क्वेश्चन है ये, कई बार आपसे पूछते हैं कि फर्स्ट ट्रांसजेनिक शीप कौन थी, तो वो भी याद रखना, काउ तो रोजी थी और फर्स्ट ट्रांसजेनिक शीप थी डॉली, याद रहेगा। इन 1997 द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ, जिस काउ का नाम रखा रोजी, वो एक खास तरह का, और ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है सुनो, एक खास तरह का एक प्रोटीन बनाती है जिसके जो मिल्क है, ह्यूमन प्रोटीन एनरिच मिल्क, ठीक है, जो जिसमें कितना था, 2.4 ग्राम प्रोटीन उसके हर लीटर मिल्क में मिलता था। पर लीटर मिल्क में कितना ग्राम प्रोटीन मिलता था उसका, 2.4 ग्राम।
द मिल्क कंटेन, उस मिल्क में क्या होता था खास? ह्यूमन अल्फा लैक्टलब्यूमिन। उस मिल्क में क्या मिलता था? ह्यूमन अल्फा लैक्टलब्यूमिन, दैट वाज न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस्ड प्रोडक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, ठीक है, बैलेंस प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन बेबीज देन नेचुरल काउ मिल्क के बेटर मुकाबले, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये पैरा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें मैंने बताया आपको सबसे पहले किस तरह क्या चीज इंसर्ट करते हैं ह्यूमन प्रोटीन सबसे पहला ट्रीट करने के लिए एम्फाइसीमा को, अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन। फिर बोला क्या, फिनाइल किटोनूरिया को ट्रीट करने के लिए भी यूज किया, सिस्टिक फिब्रोसिस को भी ट्रीट करने के लिए यूज किया। 1997 में फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ बनाई गई रोजी, जो एक खास तरह का प्रोटीन बनाती है, और वो प्रोटीन क्या है, न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस्ड है फॉर ह्यूमन बेबीज बेबीज एज कम्पेयर टू नेचुरल काउ मिल्क। उस प्रोटीन का नाम याद रखना, क्या नाम है? ह्यूमन अल्फा लैक्टलब्यूमिन, ठीक, समझ आया? अब ऐसे ही मैंने क्या किया, मैंने कई वैक्सीन बनाई, ठीक है, ठीक है, मैंने कुछ वैक्सीन बनाया, तो उस वैक्सीन का टेस्ट जो है वो क्या, मैं सीधा वो टेस्ट ह्यूमन में कर सकता हूँ क्या? अलाउड है, लीगली भी अलाउड नहीं है, और कौन करेगा, ठीक है। तो ट्रांसजेनिक माइस का यूज किया जाता है फॉर यूज इन टेस्टिंग ऑफ द सेफ्टी ऑफ वैक्सीन बिफोर दे आर यूज ऑन ह्यूमन। ह्यूमन में यूज करने से पहले माइस में यूज करते हो, ठीक, हाँ। हाँ तो वो बाद में करते हैं ना, ह्यूमन पे बाद में करते। अरे तो बाद में, बहुत बाद में, जब उन्हें ये दिखा कि कोई साइड इफेक्ट्स नहीं दिख रहे इतने ज्यादा, तब जाके वो ह्यूमन ट्रायल्स करते हैं। तीन स्टेजेस नहीं पढ़े आपने? तीन स्टेजेस बोलता है, थर्ड फर्स्ट स्टेज पर है, अभी सेकंड स्टेज पर है, अभी थर्ड स्टेज पर है। उस फर्स्ट स्टेज से पहले ये वैक्सीन सेफ्टी किसी ट्रांसजेनिक एनिमल में चेक किया जाता है, फर्स्ट स्टेज से भी पहले, ठीक है। तो ट्रांसजेनिक माइस आर यू बीइंग यूज्ड टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ द पोलियो वैक्सीन। पोलियो वैक्सीन की सेफ्टी के लिए से पहले भी ये ट्रांसजेनिक माइस का यूज किया गया था। इफ सक्सेसफुल एंड फाउंड टू बी रिलायबल दे कुड रिप्लेस द यूज ऑफ मंकीज, ठीक है। अगर वैसे तो मंकीज का जनरली यूज करते हैं, लेकिन रिलायबल, अब जैसे क्या हुआ, अगर ऐसे भी नहीं, माइस में अगर मान लो ये जो टेस्टिंग है वो सक्सेसफुल हो जाती है, तो माइस के बाद सीधा ह्यूमन में नहीं डाल देते। माइस के बाद फर्स्ट ट्रायल चलता है हमारा माइस पे, सेकंड ट्रायल अगर माइस पे सब ठीक ठाक रहा तो अब हम जाते हैं किस पर, ट्रांसजेनिक मंकीज पर, और मंकीज के बाद किसके किस पे जाओगे, ह्यूमन पे, समझ आया? पूरा सेफ खेलते हैं हम, कोई चांस नहीं ले सकते ना। ह्यूमन में भी तीन तीन ट्रायल्स होते हैं, पहले कम लेवल पर, ठीक है, कम लेवल पर, फिर ज्यादा लेवल पर, धीरे धीरे नंबर बढ़ाते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं कॉन्टिन्यूसली, ठीक है। फर्स्ट ट्रायल में जो थे, इफ सक्सेसफुल, अगर माइस वाला सक्सेसफुल हुआ, रिलायबल पाया गया, दे कुड रिप्लेस द यूज ऑफ मंकीज, ठीक है, टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ बैचेस ऑफ द वैक्सीन। फिर बोल रहा है केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, तो बस ये नाम याद रखना आप, केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, बाकी ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों याद करने की जरूरत नहीं है? क्योंकि आपने सेम चीज ऊपर ही पढ़ ली है, सेम ही चीज है। जैसे वैक्सीन सेफ्टी के लिए आपने टेस्टिंग किया था, यूज किया था ट्रांसजेनिक, ये क्या, ये पैरा क्या कहना चाह रहा है, केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, मतलब दिस इज, देखो दिस इज नोन एज टॉक्सिसिटी सेफ्टी टेस्टिंग द प्रोसीजर। आप कई सारे प्रोडक्ट्स बनाते हो ना यार, जैसे क्या बना दिया, जैसे कुछ भी बोरो प्लस बना दे, तो वो सब भी क्या, किसको यूज करवाओगे पहले, या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट बना दिया, ठीक है, कुछ ड्रग्स बना दिया आपने, द प्रोसीजर इज सेम एज यूज फॉर द टॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग या वैक्सीन के लिए। द ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर मेड दैट कैरी जीन विच मेक देम मोर सेंसिटिव टू टॉक्सिक सब्सटेंसेस देन नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल्स। आपने क्या किया, इन ट्रांसजेनिक एनिमल्स में कुछ ऐसे जीन्स डाल दिए जिससे वो क्या हो गए, और ज्यादा सेंसिटिव हो गए, जिससे ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर मेड दैट कैरी जीन्स विच मेक देम मोर सेंसिटिव टू टॉक्सिक सब्सटेंसेस देन नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल्स। नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल्स से वो क्या हो चुके हैं, और ज्यादा सेंसिटिव हो गए हैं। तो अगर जरा भी कोई साइड इफेक्ट होगा तो सबसे पहले किसको होगा, इन्हीं को होगा,
समझ आया? ऐसा क्यों किया गया है? बहुत ज्यादा वीक क्यों बना दिया गया है इन एनिमल्स को, बताओ। हाँ, और कोई रीजन कौन बताना चाहेगा, क्या रीजन है कि हमने बहुत वीक बना दिया है ट्रांसजेनिक एनिमल्स को? सौम्या। अरे उनको वीक बनाया क्यों है जानबूझ के, ये पूछा। बोलो बोलो प्रिया। बोलो प्रिया। तो ठीक है, भूमि कोई कुछ एक्स्ट्रा बताना चाहेगा? मैं सुनना चाहता हूँ यार कुछ अलग, अभी भी जवाब नहीं आया ढंग का। अंशिका, अनस, चंद्रीत, राहुल, सौम्या, सोच के बताओ कुछ, क्या रीजन रहा होगा? अंशिका आवाज आ रही है? भूमि जसूजा बताओ बताओ। देखो मैं बताता हूं, ये जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं वो प्रोडक्ट्स तो यूनिवर्सली यूज किए जाएंगे, है ना? अगर कोई बच्चा भी यूज करता है या कोई भी ऐसा पर्सन यूज करता है जो बहुत वीक है या जिसकी इम्यूनिटी बहुत वीक है, या आप बोलते हो कोई पेशेंट ही है, ठीक है, उस पर भी कोई साइड इफेक्ट ना हो जो बहुत ज्यादा वीक है ना, जैसा आपने बोला कि इनको इसलिए वीक बना दिया क्योंकि छोटे से छोटा साइड इफेक्ट दिख जाए। छोटे से छोटा साइड इफेक्ट किस पर दिख जाए? क्योंकि हम इनको आगे जाके ह्यूमन पर यूज करने वाले हैं, तो कोई मान लो बहुत ज्यादा सेंसिटिव पर्सन है तो उसको भी ये चीज अफेक्ट ना करे, तो इस लेवल पर हम ये केमिकल्स बनाते हैं या वैक्सीन्स बनाते हैं। इज इट क्लियर? They are then exposed to toxic substances and then effect studies. Toxicity testing in such animals will allow us to obtain result in less time. ठीक है, हमें बहुत कम लेवल पर क्या मिलता है, रिजल्ट्स मिल जाते हैं। तो ये था किसके बारे में, ये था आपका नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। ये पॉइंट्स याद रखोगे फिर तो आप बना सकते हो, देखो इसमें लिख सकते हो आप आंसर अपने आप ही, आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए तो। बस एक एग्जांपल याद रखना, इंसुलिन ग्रोथ लाइक फैक्टर जैसे हमने बनाया, एक एक्सप्लेन करने के बाद एग्जांपल लिखना जरूरी है। स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन ग्रोथ, स्टडी ऑफ डिजीज, ठीक, स्टडी ऑफ डिजीज इस ध्यान रखना। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट तेरा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें देखी। वैक्सीन सेफ्टी, केमिकल सेफ्टी, ठीक है। तो लास्ट एक चीज रह गई है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। कल कल मोस्ट प्रोबेबली ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है? और हाँ ठीक है, तो आप लोग सेकंड चैप्टर पढ़ो, और वेडनेसडे को आप लोगों का टेस्ट है।